फेज 6 लोकसभा चुनाव 25 तारीख को चार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी गिरिडीह धनबाद रांची और जमशेदपुर में है। आज 5 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक है, पर इसके साथ मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम वृहद स्तर पर किए जा रहे हैं। अभी जो 25 तारीख को चुनाव है उसमें कुल पोलिंग बूथ की संख्या 8963 है और इनमें एक अधिकांश मात्रा अर्बन पोलिंग स्टेशन का है। 8963 पोलिंग स्टेशन में 3361 अर्बन पोलिंग स्टेशन हैं। अर्बन पोलिंग स्टेशन में मतदाता जागरूकता के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पे वोटर अवेयरनेस फोरम सबसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, पर इसके साथ अर्बन लोकल बॉडीज का भी भूमिका अहम है। कुल 1767 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ संपर्क कर सभी गेटेड कम्युनिटी से लोग निर्वाचन में पार्टिसिपेट करें, इसके लिए अनुरोध किया गया है। 668 वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया गया है। वोटर अवेयरनेस फोरम ऐसी संस्थानों में गठन किया जाता है जहां 10 से ज्यादा कर्मी कार्यरत हैं। इसके साथ ही सेक्शन 135B के प्रावधान के बारे में भी सबको जागरूक करवाया गया है। सेक्शन 135B के अंतर्गत सभी एम्प्लॉयर्स अपने अधीनस्थ एम्प्लॉय को इलेक्शन डे वाले दिन पेड हॉलीडे देंगे। कोई भी इससे अपने एम्प्लॉय को वर्जित नहीं कर सकता है, ताकि सभी लोग आके उस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके साथ ही हमारे फेज 5 के लिए वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन और यूनिक पोलिंग स्टेशन भी सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाए गए हैं। अभी तक का टोटल सीजर 128 करोड़ 76 लाख है और इसी के साथ ही वोटर अवेयरनेस फोरम RWA को प्रेरित करने के लिए, ताकि उनके अधीनस्थ जितने वोटर्स हैं वो लोग आके वोटिंग डेवलपमेंट पार्टिसिपेट करें, यहां से बल्क SMS भी भेजा जा रहा है। बैंक मेंबर्स को तो शुरू से भेजा जा ही रहा था, इस फेज में क्योंकि अर्बन बहुत ज्यादा है तो सभी बैफ और RWA को भी यहां से बल्क मैसेज दिया जा रहा है 7 से 5 बजे शाम। तो सभी से अपील है कि 25 तारीख को आके अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें।